वजीरक्स को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब फाइनली क्या है कि अभी ये अंडर मेंटेनेंस जा रहा है वजीरक्स, तो इससे क्या है कि पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है कि कुछ ना कुछ अभी सामने हमें देखने का मिल सकता है। तो वजीरक्स की एक और अपडेट है, वो है प्रूफ ऑफ रिजर्व्स को लेकर। तो अभी लगातार क्या है कि वजीरक्स अच्छी से अच्छी अपडेट्स दे रहे हैं, तो पूरी उम्मीद बन रही है कि वजीरक्स का एक्सचेंज चल सकता है, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ वॉलफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पे हम हर एक अपडेट सबसे पहले डालते हैं ताकि आप कोई भी क्रिप्टो की अपडेट मिस ना करें। क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर आप यूजली क्या है कि कोई ना कोई टेलीग्राम की गेम प्ले कर रहे होते हो, तो वहां पे आपको अपडेट्स भी उसी पे मिल जाएंगे, यानी कि टेलीग्राम के ऊपर वॉर्फिड ऑफिशियल के ऊपर। तो अभी हम लेटेस्ट अपडेट के ऊपर जाते हैं, वो ये है कि स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस, यानी कि यहां पे 28 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक 10 PM IST आज की रात 10 बजे जो कि अभी होने वाला है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतने बजे से लेकर कल का जो टाइम है कल सुबह के 3 AM, यानी कि कुछ घंटों के मेंटेनेंस है, लेकिन इन्हीं 5-6 घंटों के अंदर क्या है कि यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस होने वाली है जो कि वजीरक्स एक्सचेंज के ऊपर रहेगी। तो इस दौरान क्या कि जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी सर्विसेज अनअवेलेबल रहेंगी। अब यहाँ पे कोई पूछ भी सकता है कि इसमें सर्विस तो वैसे कोई काम नहीं कर रही है, यानी कि ना तो INR चल रहा है, ना डिपॉजिट हो रहा है, ना विड्रॉ हो रहा है। क्रिप्टो की बात करें ना तो ट्रेडिंग हो रही है, ना ही क्रिप्टो डिपॉजिट हो रहा है, ना क्रिप्टो विड्रॉ हो रहा है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ खुल रहा था। तो अभी इनका बोलना है कि अभी कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं रहेगी, जो कि शायद मेरे हिसाब से पहले भी कोई ऐसी खास सर्विस नहीं थी जो अवेलेबल थी। लेकिन इसको लेकर अगर हम यहाँ पे अजम्पशंस लगाते हैं, तो अजम्पशन यही है कि कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आने वाला है, क्योंकि इससे पहले प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का एक अपडेट आया था। तो चाहे कई ज़्यादा महीने हो चुके हैं, लेकिन फाइनली एक ऐसा अपडेट आया वजीरक्स की तरफ से कि इन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व सच में प्रूव कर दिया है कि इनके पास रिजर्व्स थे या हैं। तो उसकी सारी अपडेट्स आ गई हैं, वॉलेट्स की अपडेट्स भी आ गई हैं। तो जिससे क्या है कि मुझे थोड़ी सी उम्मीद बन रही है कि उसके हिसाब से यहाँ पे वॉलेट्स को अपडेट किया जाएगा, यानी कि हमारे जो वॉलेट्स हैं वजीरक्स के ऊपर, तो इनके ऊपर हो सकता है कि प्रोपोर्शनली कुछ ना कुछ हमारा अमाउंट दिखना शुरू हो जाए, या फिर अमाउंट अवेलेबल हो जाए जो कि हम विड्रॉ भी कर पाएं। क्योंकि अगर ये मेंटेनेंस में जा रहा है तो ऐसी अपडेट पॉसिबल है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो आज से 2 दिन पहले एक नया ट्वीट आया था जिसमें लिखा गया था कि प्रूफ ऑफ रिजर्व इज नाउ लाइव। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि कमिटमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से इन्होंने अभी जो वॉलेट एड्रेसेस हैं उनके हिसाब से हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ रिजर्व्स के बैलेंसेस हम खुद पर्सनली चेक कर सकते हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है बहुत लंबे समय के बाद कि वजीरक्स ने खुद यहाँ पे अपडेट डाला है प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का, और बोला है कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और जो हमारे पूरा डेटा है, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज का पूरा डेटा है जो कॉइन गब्बर के ऊपर होना चाहिए था क्रिप्टो एसेट्स को ट्रैक करने का, वो अभी तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि कॉइन गब्बर के ऊपर भी प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का जो डैशबोर्ड है बहुत ही जल्द एक्टिव हो जाएगा, हम वहाँ पे पूरा पूरा डाटा चेक कर पाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे पहला लिंक खोलते हैं ट्वीट का, तो इस लिंक में यहाँ पे हर एक चीज़ दिख रही है, यानी कि पूरी ट्रांसपेरेंसी लाई गई है। तो 24 अक्टूबर 2024 से इन्होंने यहाँ पे डेटा तो शो कर दिया, लेकिन ये भी बताया कि ये रियल टाइम डेटा नहीं है। रियल टाइम डेटा की अगर हम बात करें, अपडेटेड डेटा, वो हमें कॉइन गब्बर के ऊपर मिलने वाला है बहुत ही जल्द। तो यहाँ पे टोटल ऑन चेन जो एसेट्स इन्होंने बताए हैं वो है $157 मिलियन के, थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस के ऊपर $126 मिलियन के थर्ड पार्टी कस्टडी, जो कि अभी तक कस्टोडियन कोई सिलेक्ट नहीं किया गया, वो सिलेक्ट होने के बाद उनके पास जाएगा। फिर इलिक्विड एसेट $14 मिलियन, टोटल बन गए $298.17 मिलियन। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले एक चीज़ बताई थी पिछली वीडियो में बताई थी कि जो अमाउंट है ये पूरा का पूरा ऑन चेन के ऊपर नहीं रख सकते हैं, लेकिन जितना रख सकते हैं उतना रख लिया है, जो है $157 मिलियन, और पूरा के पूरा थर्ड पार्टी कस्टडी के ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी कस्टडी के पास सारे वॉलेट्स अवेलेबल नहीं रहते, यानी कि वो कुछ ना कुछ अमाउंट होल्ड जरूर कर सकते हैं, लेकिन सारे एसेट्स को होल्ड करना मतलब उनके पास सारे वॉलेट्स होना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम BSC की बात कर लें, या फिर TRC की बात कर लें, या फिर BTC की बात कर लें, तो मतलब यह कि कुछ लिमिटेड वॉलेट्स होते हैं कस्टोडियन के पास, लेकिन हर तरह के वॉलेट्स नहीं है, जिस कारण बहुत बड़ा अमाउंट ऑन चेन भी पड़ा है और थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस के ऊपर रखा गया है। तो एक्सचेंजेस के ऊपर रखने का कारण सिर्फ यही है कि कस्टडी वाले इस अमाउंट को नहीं रख सकते। लेकिन पिछली बार वजीरक्स ने अपडेट किया था कि थर्ड पार्टी कस्टोडियन की तलाश अभी चल रही है, 4-5 के साथ इन्होंने बात करी है, लेकिन अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है। जैसे ही फाइनल हो जाएगा तो ये थर्ड पार्टी कस्टोडियन के पास भी रखने वाले हैं। उसका फायदा हमें ये होता है कि उनके पास जो एसेट्स पड़े होते हैं वो और भी ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, एज कम्पेयर टू एक्सचेंजेस के ऊपर रखा जाए, या फिर एज कम्पेयर टू अपने पास ये रख ले वजीरक्स, उससे अच्छा ये होता है कि अगर कस्टडी के पास रहे, यानी कि थर्ड पार्टी कस्टोडियन के पास रहे। अब यहाँ पे आप एड्रेसेस चेक कर सकते हैं, और इन्हीं के साथ साथ अमाउंट भी दिखाया गया है। तो टोटल एड्रेसेस इन्होंने बताए हैं 242K,
यानी कि 242,000 एड्रेसेस की यहाँ पे बात करी गई है। अब इसका साफ साफ मतलब ये है कि आप अपने एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे, वहां से आप अपना वॉलेट एड्रेस उठाएंगे और उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, एक चीज क्लियरली मिल जाएगी कि आपके उस एड्रेस के ऊपर अभी उतना अमाउंट पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज अभी तक की वजीरेक्स ने बताई है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल भी दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लास्ट पेज के ऊपर चला गया क्योंकि यहाँ पे लगभग 2.5 लाख एड्रेसेस हैं। 2.5 लाख में से अगर हम लास्ट कुछ एड्रेसेस के ऊपर जाते हैं, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये घटते क्रम में था, यानी कि जो सबसे ज़्यादा एसेट से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम थी वो सबसे ऊपर था और सबसे कम वाले नीचे थे। अभी यहाँ पे इथेरियम के एड्रेसेस दिख रहे हैं जिनके ऊपर $0 का बैलेंस दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इथेरियम के वो एड्रेसेस उन एक्सचेंजेस के या फिर उन अकाउंट्स के एड्रेसेस जिनके पास इथेरियम नहीं था उनके एड्रेसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर आप अपना इथेरियम का एड्रेस या फिर किसी भी कॉइन का, अपने वजीरेक्स के एक्सचेंज का किसी भी कॉइन का एड्रेस यहाँ पे सर्च करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एड्रेस के ऊपर कितना अमाउंट पड़ा है, वहाँ पे कुछ अमाउंट पड़ा है या नहीं पड़ा, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लग रही है, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखाई जा रही है। लेकिन अगर आप इस 5-6 घंटे के दौरान सर्च करने की कोशिश करोगे तो एक्चुअल में आपको सबसे पहले प्रॉब्लम तो यही आ जाएगी, अगर आप वजीरेक्स के ऊपर जाओगे वहाँ पे मेंटेनेंस के कारण आप अपना एड्रेस ही नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर आपको एड्रेस मिल जाता है अपने एक्सचेंज का, फॉर एग्जांपल WRX का या TRC का या BTC का, तो वो एड्रेस को आप यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हैं। सर्च करके आपको पता चल जाएगा कि आपके एड्रेस के ऊपर कितना अमाउंट पड़ा है। तो आई रियली अप्रिशिएट कि वजीरेक्स ने इतना बड़ा काम किया है कि इतने ज़्यादा डेटा को यहाँ पे इकट्ठा करके कंसोलिडेट करके एक जगह पे इन्होंने लगा दिया है, जहाँ पे हम अपने एड्रेसेस को खुद भी चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड लिंक के ऊपर। तो सेकंड लिंक के ऊपर इन्होंने क्या क्या बताया वो थोड़ा सा रीड करते हैं। ये भी लिंक ट्वीट में ही डाला गया था। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि वजीरेक्स पब्लिशेस प्रूफ ऑफ रिजर्व्स। तो इन्होंने बोला कि पूरी ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट बनाए रखने के लिए इन्होंने पूरी यहाँ पे प्रूफ ऑफ रिजर्व्स लगाया है और ये काम कर रहे हैं रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर और प्लेटफॉर्म को रीस्टार्ट करने के ऊपर पूरा काम चल रहा है। और जैसे कि आपको पहले बताया, इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि न्यू कस्टोडियन की तलाश अभी भी चल रही है, ऑनबोर्ड जल्दी करने वाले हैं और प्रूफ ऑफ रिजर्व्स को ये टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे और कॉइन गब्बर के ऊपर भी सारी अपडेट्स आने वाले क्योंकि वहाँ पे अपडेटेड डेटा हमें मिलने वाला है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या होने वाली है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि ऐसा कस्टोडियन जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा फंड्स के ऊपर। और ये चीज़ मैंने आपको पहले किसके ऊपर बताई थी, तो मैंने आपको मुद्रेक्स की बताई थी। तो मुद्रेक्स की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मुद्रेक्स के ऊपर साइनअप कर लो, वहाँ पे फंड्स काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं। एक तो सिक्योरिटी भी अच्छी है, लेकिन अगर हम हैक की बात करें तो यहाँ पे फंड्स का इंश्योरेंस जो अभी वजीरेक्स यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी मुद्रेक्स के ऊपर वहाँ पे फंड्स का इंश्योरेंस दिया जा रहा है। ये अभी वर्स्ट केस सिनेरियोस की ही बात करें तो मुद्रेक्स ने भी इंश्योरेंस इसीलिए करवाया हुआ है फंड्स का, ताकि इन केस अगर हैक हो जाता है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें फंड्स वापस मिल जाएं। और वहाँ पे ऑफर्स भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, अभी जो करंट ऑफर चल रहा है उसके ऊपर आईफोन 16 भी मिल रहा है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में पाएंगे, उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसीज का। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि ऐसा पहली बार हुआ है किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स अपनी ही वेबसाइट के ऊपर लाइव किया है। जी फ्रेंड्स, वजीरेक्स ने ऐसा पहली बार किया, वरना इससे पहले कोई भी ऐसा एक्सचेंज नहीं था जिन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स लाया और वो भी अपनी डोमेन अपनी ही वेबसाइट के ऊपर लॉन्च किया। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का होना जरूरी है, उसके लिए कॉइन कंपनी की अभी थोड़ी वेट है, लेकिन अपने ऊपर डाटा दिखाना ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है। तो अभी वजीरेक्स का कहना यह है कि अपने ये न्यू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट करने वाले हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो पूरी उम्मीद बन रही है कि अभी एक नया अपडेट आएगा वजीरेक्स का और बहुत बड़े लेवल पे वजीरेक्स फिर से चलेगा। लेकिन हमें जो अपडेट चाहिए वो सिर्फ यही है कि हमारे जो फंड्स हैं वो वापस मिल जाएं। जब तक वापस नहीं मिलेंगे तब तक हम ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी इतना बड़ा पैसा फंसा हुआ है पूरे हमारे इंडियंस का, जो कि एक बहुत बड़ा झटका है पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी को। लेकिन आपका क्या मानना है वजीरेक्स के बारे में, एक बार नीचे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।